इस बीच आपको और एक अच्छी खबर भी दे देते हैं। मार्केट आज चाहे जैसा भी हो, लेकिन आज की लिस्टिंग अच्छी होने की उम्मीद है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज आज लिस्ट होने वाला है। 472 रुपए का इश्यू प्राइस था, ये रुका है 572 पर। इस समय जो NSE पर जो 100 रुपए का पत्ता मिल रहा है, 100 रुपए का, बिल्कुल। तो 572 पर ये रुका है, 570 आपकी स्क्रीन पर। तो आपके लिए लिस्टिंग गेंस हैं करीब 20-21%, स्टेज ऑन द टेबल। ऊपर इनफैक्ट जो आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, जो अपर रेट है वो है BSE का, वहाँ पर ये 570 पर रुका है। और जो नीचे रेट है वो है 572 का, जो कि NSE का। तो करीब 95-100 रुपये का लिस्टिंग गेन अच्छा खासा देखो। शुरुआती टिक्स में 100 रुपये भी मिल जाएंगे शुरुआती टिक्स में 100 रुपये। लेकिन अब देखिए, अब इफ़ यू कैन हैव अ लुक एट द वैल्यूएशंस, जो इसका इशू प्राइस था ना, उस पर ये वैसे भी जो बाकी अच्छी क्वालिटी कंपनीज हैं इस स्पेस की, उसकी तुलना में डिस्काउंट पे था। बिकॉज ये 472 के इशू प्राइस पर आई थिंक कुछ 22 या 23 के वैल्यूएशन पे इशू लाया गया था। जबकि आप देखिए, लुक एट भारत फोर्ज या फिर इस तरह की कंपनीज को आप देखेंगे तो 30+, मदर सनसुमी को देखिए, ये सारी 30+ के वैल्यूएशन पे मार्केट में ट्रेड कर रही हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखो तो आई थिंक देयर वाज समथिंग वाज लेफ्ट ऑन द टेबल, और वही यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन भी उसी लिया था। हालांकि एक कंसर्न है यहाँ पर कि इनका डिपेंडेंस काफ़ी बड़ा जो है विद इन डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो, वो बजाज ऑटो पर है। ये तो सबसे बड़ा हिस्सा इनफैक्ट जो इनकी ऑर्डर बुक का है वो बजाज ऑटो से आता है। सो वो डायरेक्ट लिंकेज एक रहता है। लेकिन हाल ही की लिस्टिंग्स को अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग की उम्मीद यहाँ पर। नितिन, आई नो यू विल नॉट टॉक स्पेसिफिकली अबाउट दिस, लेकिन 20-21% का लिस्टिंग गेन इस तरह के मार्केट में अगर मिल रहा है तो एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। That's me? Yeah, Nitin, for you. Is that for me? Yeah, Nitin. Okay. No, बहुत बहुत ही handsome return है। और एनी विच वे, जब ये इसकी जो पब्लिक इशू आया था तो इसकी वैल्यूएशन एक प्रीमियम वैल्यूएशन भी थी, गिवन द फैक्ट दैट ये बहुत बड़ी कंपनी है ऑटो एंग स्पेस में और मार्केट लीडर है अपने स्पेस में। तो उसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ऑलरेडी इशू हुआ था, उस पर और आपने 20% वैल्यूएशन देखा है लिस्टिंग पे, तो क्लियरली। और एक बात और है कि इसमें आपको सेलिंग प्रेशर थोड़ा इनिशियली ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि जो लोगों ने IPO फंडिंग या फाइनेंसिंग करके इसमें अप्लाई किया है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए ज़रूर बाज़ार में आएंगे। तो मेरा मानना है कि ये फुली प्राइस्ड है एट दिस वैल्यूएशन, और अगर आपको ये गेन मिलता है तो श्योरली। और कुछ स्टॉक्स को देखिए, बड़े दिनों बाद अगर आप देखें तो एक मूव मिड कैप फार्मा भी नजर आ रहा है। मिड कैप फार्मा में जरा प्लीज एक बार मिड कैप फार्मा दिखाइए एग्जैक्टली क्या कर रहा है इस वक्त पूरा। इनफैक्ट फार्मा से पूरे देख लेते हैं और उसके बाद ग्लेनमार्क लगभग 1.5% ऊपर 948 के स्तर पर। देन मार्क्सन्स बिल्कुल फ्लैट, कल की तेजी के बाद आ जाए आप देखें बिल्कुल फ्लैट है। देन आप देखिए अरविंदो, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन। मिस्टर हेजा, आप कंफर्टेबल हैं फार्मा में इस वक्त? आई मीन लार्ज कैप में बहुत प्राइस स्टेबिलिटी नहीं देखी हमने। आई मीन लुक एट सन फार्मा, अरविंदो ने ठीक ठाक किया, सिप्ला रोज बरोज अप्स एंड डाउन्स, सन फार्मा अब तक कोई डिसाइसिव मूव नहीं दिया इसने, डॉक्टर रेड्डीज के आपके हिसाब को मालूम ही है। आप ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में हैं सर, आई मीन लार्ज कैप में या मिड कैप फार्मा में इस वक्त? एक्चुअली अक्रॉस द बोर्ड, मेरा मानना है कि फार्मा में आपको वो जो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप मिड कैप लो चाहे वो लार्ज कैप लो। तो विद इन द मिड कैप स्पेस में आपको कई कई कंपनी मिल रही हैं जो कि US में लास्ट फ्यू ईयर्स में उन्होंने एंट्री किया है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अप्रूव हो रहे हैं। तो उसमें आपको एक इनिशियल स्मॉल बेस पे आपको काफ़ी बड़ा ग्रोथ नज़र आता है। तो मेरे हिसाब से फार्मा में वी आर कैप एग्नोस्टिक और मोर स्टॉक स्पेसिफिक इन आर अप्रोच। इस बीच अगर आप देखें एक दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। एक बार जरा प्लीज जी बिजनेस का टुडे स्टेट दिखाएंगे आप जरा इस बीच। RPG लाइफ साइंसेस डे हाई पर 515 516 ऑलमोस्ट स्ट्राइक कर चुका है, 516
स्ट्राइक करता हुआ 3% ऊपर, तो अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस 519 का हाई इसने लगाया। फार्मा स्पेस है, मिड कैप फार्मा स्पेस में अगर आप देखें, लार्ज कैप में इस वक्त BHEL अभी भी अगर आप देखें सुपर मूव, गेल 437 पे। रजा साहब ये एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा और वो होगा ऑयल गैस स्पेस पे, आई मीन लुक एट ONGC, आई मीन 3 महीने के पीरियड में इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया वर्सेस 220, नाउ द स्टॉक इज कोटिंग ऑलमोस्ट 280, देन गेल को देखिए क्या सब्सटेंशियल प्राइस परफॉर्मेंस है। और इस बार की ये प्राइस परफॉर्मेंस में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अपस्ट्रीम कंपनियों के साथ साथ आई मीन OMCs भी चल रही हैं, तो ये एक सेकुलर मूव, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सरप्राइज पैकेज। आप इस वक्त ज़्यादा कैपिटलाइज किस पे करना चाहते हैं, OMCs पे या फिर अपस्ट्रीम कंपनियों पर? मेरा फोकस इस पे OMCs पे ज़्यादा है क्योंकि ये सेक्टर ज़्यादा डी रेगुलेट हो चुका है इन द सेंस रिलेटिव टू द अपस्ट्रीम कंपनीज। इसमें भी अभी रेगुलेशंस है बट यू नो दे एटलीस्ट हैव फ्रीडम ओवर प्राइसिंग द टू मेन बिग फ्यूल्स विच इज डीजल एंड पेट्रोल। बट विद इन दैट ऑयल एंड गैस में जो सिटी गैस कंपनीज है मेरा फोकस वहाँ भी है। मुझे वो लगता है कि जो गैस के प्राइसेस है वो कम हुए हैं, जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स है वो सुप्रीम कोर्ट इज़ ड्राइविंग मोर एंड मोर पीपल टुवर्ड्स द कंजम्पशन ऑफ सिटी गैस। तो आई थिंक वो जो सिटी गैस कंपनीज है दे विल डू वेल, यू नो दे हैव नॉट फुली पास्ड ऑन द रिडक्शन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, तो वहाँ पे भी यू नो मेरा मानना है कि फोकस होना चाहिए। बिल्कुल। ऑलराइट नितिन, चलिए शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हितेश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच एक लिस्टिंग की तो हमने बात की, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज जो कि आज होने जा रही है, लेकिन साथ ही और एक कंपनी जो कि लिस्ट होने वाली है वो है PNB हाउसिंग फाइनेंस, इनका IPO आने वाला है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD मिस्टर संजय गुप्ता जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। संजय, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस इंडस्ट्री में और PNB हाउसिंग फाइनेंस में पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 62% का ग्रोथ देखने को मिला है, क्या ये आपको सही समय लग रहा है IPO फ्लोट करने के लिए? देखिए, IPO लाने का ये समय इसलिए भी है क्योंकि हमारा कैपिटल जो है हम लोग का ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो रहा है, हम लोग बहुत गियर्ड हैं, 15 टाइम गियर्ड हैं। सो एक अच्छी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को 8 से 9 टाइम्स गियरिंग होनी चाहिए। सो इसलिए हम लोग कैपिटल इस वक्त रेज कर रहे हैं। ये प्रोसेस लंबा होता है तो एग्जैक्ट टाइमिंग दिवाली के पहले डिज़ाइन नहीं थी, मगर हाँ हमने प्रोसेस शुरू कर दी थी अप्रैल से और अब हमारे को IPO कार्ड मिला, SEBI की अप्रूवल मिली, सब कुछ हुआ, तो ये इस वक्त हो रहा है। मगर हम लोग को कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमने जो थी अबाउट 1.5 साल पहले आइडेंटिफाई कर लिया था कि इस दौरान में हमको फ्रेश कैपिटल चाहिएगा। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं इनके लिए एक दिक्कत ये भी है कि काफ़ी चैलेंजेस हैं इनके लिए, कभी मार्जिन पर प्रेशर रहता है, जो असेट क्वालिटी है उसे लेकर भी रहता है। ओवरऑल मार्जिन को लेकर आपका आउटलुक क्या है इस समय? देखिए, जो मार्जिन होता है वो एक आउटकम होता है कि आप क्या प्रोडक्ट और क्या सेगमेंट में आप बिजनेस कर रहे हैं। वो हम लोगों ने एक तरीके से अपना सेगमेंट और अपना प्रोडक्ट मिक्स जो है बहुत अच्छी तरीके से ओवर लास्ट 5-6 ईयर्स सेटल कर लिया, हम वहीं पे रहेंगे, वही काम करेंगे। यील्ड और जो कॉस्ट ऑफ फंड है उसके डिफरेंस को और फीस को स्प्रेड कहते हैं, तो वो सब ठीक चल रहा है। कॉस्ट ऑफ फंड्स भी हमारे कम आ रहे हैं तो यील्ड भी कम आ रही है, तो स्प्रेड जो है वो 3.4-3.5 के बीच में है, वो हमारा सेटिस्फैक्ट्री है। कॉस्ट सब हमारी टू आर पोर्टफोलियो अब कम होने लगी है, हमारा ओपेक्स लास्ट ईयर 17 बेसिस पॉइंट से गिरा, इस साल फर्स्ट क्वार्टर में फिर से 8-9 बेसिस पॉइंट से गिरा। कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमारे 32-33% आ गए थे, वो पिछले साल 25.6 थे, इस साल फर्स्ट क्वार्टर में वो फिर से कम हुए, थोड़ा और कम हो गए। तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा रिटर्न ऑन एसेट मार्जिन वगैरह सेफ है, हमारा पोर्टफोलियो बड़ा अच्छा बिहेव कर रहा है, तो कोई क्रेडिट कॉस्ट नहीं हमको हिट कर रही है, इसलिए हम ये सोच मतलब एस्टिमेट करते हैं कि इस कैपिटल इनफ्लो से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और स्ट्रांग हो जाएगी, बैलेंस शीट
हमारा जो नेट ओन फंड्स है वो मोर देन ट्वाइस टू टाइम्स हो जाएगा, और हम लोग ये सेंसिबल बिजनेस करते रहेंगे एक लॉन्ग लंबे दौरान के लिए, और अच्छे रिजल्ट्स देते रहना चाहिए हमें। ओके मिस्टर गुप्ता, आपने मार्जिन्स को लेकर बात करी, पिक्चर रखी, और नो डाउट अगर आप देखें, मैं IPO से पहले अगर आपकी एसेट क्वालिटी को देखूं तो वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की श्रेणी में काफ़ी अच्छी खासी है, तो वो क्राइसिस सिचुएशन आपके साथ नहीं है। आपको पोस्ट लिस्टिंग पोस्ट दिस IPO आपको क्या लगता है, मैं सर डिसबर्समेंट्स जो अब तक ट्रेंड रहा है उसमें कोई बड़ा डाइवर्जेंस आएगा? मेरा मतलब ये है कि क्या डिसबर्समेंट्स में काफ़ी सब्सटेंशियल चेंज आएगा पोस्ट लिस्टिंग? जो कैपिटल आ रहा है इससे हमारी जो उत्तरदायित्व है वो और बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं। लिस्टेड कंपनी होगी, पब्लिक हमसे क्वेश्चन करेगी, सब लोग हमसे क्वेश्चन करेंगे, अभी तक केवल 2 शेयर होल्डर्स थे। तो हम लोग बड़े मतलब जिसे है कॉन्शियस है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इसलिए हम कोई चीज़ जानबूझ के गलत नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज हमारा कैपिटल ज़्यादा आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। और यही बिजनेस करते रहेंगे, ठीक से करते रहेंगे। क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो हमारी, हम बहुत उसको कॉन्शियसली मॉनिटर करते रहते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी भी हमको बहुत हेल्प करती है, हमारा जैसे ही कोई चेक बाउंस होता है, रिटर्न होता है, हमारे एजेंट्स को मालूम पड़ जाता है, हमारे कस्टमर्स को मालूम पड़ जाता है। कोई भी हिंदुस्तानी कस्टमर जानबूझ के डिफ़ॉल्ट नहीं करता है या चेक बाउंस कराता है, तो वो सब टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम, पीपल, ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में, बिकॉज ये बड़ा लॉन्ग टर्म बिजनेस है। इसमें जो टीम की कंटिन्यूटी है, स्टेबिलिटी है, ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है। ये कोई वो नहीं है कि कार की डीलरशिप है कि आज कोई आदमी है कल कोई आदमी है। तो मेरे ख्याल से हमारी क्वालिटी ऑफ असेट्स अच्छे रहने चाहिए लॉन्ग टर्म में, और हमें अच्छे रिजल्ट्स देते रहने का मतलब हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। ओके थैंक यू मिस्टर गुप्ता, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए अब इस मार्केट से आप देखें, फ्लैट है, आई थिंक अपना अपने आपको बहुत वाइल्ड सिचुएशन में नहीं रखा है, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है अगर आप देखें इस वक्त।